हरियाणा एच 9 पीएम न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। बाईपास पर लगाई जा रही सफेद लाइनिंग पट्टी कोहरे के दौरान करती है मदद। खरगोदा में लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार ने बाईपास पर सफेद डिवाइडर पट्टी लगाने का काम तेजी से शुरू कर दिया है ताकि वाहन चालकों को ड्राइविंग के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। खरगोदा में बाईपास खस्ता हाल हो गया था जिसे नए सिरे से बनाया गया है। अब इस पर सफेद पट्टी लगाने का काम भी किया जा रहा है। सर्दियों में कोहरा होने के कारण सड़क पर डिवाइडर रूपी सफेद पट्टी वाहन चालकों के लिए राहत का कार्य करती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बाईपास के निर्माण के बाद सफेद पट्टी लगाने का काम भी किया गया है। लोक निर्माण विभाग के SDO अनिल चहल का कहना है कि सभी मार्गों पर इस तरह की सफेद पट्टी लगवाई जाएगी ताकि वाहन चालकों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मुहैया करवाई जा सके। युवा कांग्रेस खरगोदा ने चलाया पौधारोपण अभियान। विधायक जयवीर और पदम सिंह दहिया ने गांव खांडा से की मुहिम की शुरुआत। युवा कांग्रेस खरगोदा के द्वारा खरगोदा हल्के के सभी गांवों में पौधारोपण अभियान चलाने की शुरुआत की गई, जिसकी शुरुआत सोमवार को गांव खांडा में विधायक जयवीर वाल्मीकि और पूर्व विधायक पदम सिंह के द्वारा अभियान का पहला पौधा लगाकर की गई। युवा कांग्रेस खरगोदा के प्रधान अंकित दहिया ने बताया कि पूरे खरगोदा हल्के में पौधारोपण करने का जिम्मा युवा कांग्रेस खरगोदा के मेहनती युवा काशी खांडा ने उठाया है। ये बहुत बढ़िया कदम है युवा कांग्रेस की तरफ से। हमारे खरगोदा विधानसभा क्षेत्र में जो पौधारोपण का यूथ कांग्रेस ने लीड उठाया है, इसके लिए मैं सभी युवाओं को बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि एक अच्छी पहल की है, क्योंकि आज चिंता का विषय है पर्यावरण, जिसमें हमने देखा भी है अब की बार जो मई जून के दिन थे हद से ज़्यादा गर्मी बढ़ी है और हम तो चाहते हैं कि भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं और इस बात के में जहाँ भी इस तरह का आयोजन होगा हम पहुँचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज ये वक्त है। हम अपने बच्चों के लिए सेविंग करते हैं, अब उनके फ्यूचर अच्छे फ्यूचर के लिए पैसा सेविंग करते हैं उनकी उसके लिए, लेकिन सासों की सेविंग कौन करेगा? सासों की सेविंग पौधा करता है। एक पौधा एक पेड़ अपने परिवार के लिए समर्पित हो तो बहुत अच्छी बात है, तो इसलिए फिर से मैं दोबारा शुभकामनाएं देता हूँ। नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में प्रताप स्कूल के नितेश ने जीता गोल्ड मेडल। रोहतक में आयोजित सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप अंडर 23 में प्रताप स्कूल खरगोदा के नितेश ने 97 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल प्राप्त कर हरियाणा प्रदेश सोनीपत जिले व प्रताप स्कूल खरगोदा का नाम रोशन किया। नितेश के कोच गुरु द्रोणाचार्य वोडी ओम प्रकाश दहिया ने बताया कि नितेश एक होनहार पहलवान है। नितेश ने इससे पहले 4 बार इंटरनेशनल लेवल पर व 17 बार नेशनल लेवल पर पदक प्राप्त कर भारतवर्ष व हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन किया है। नितेश भविष्य में ओलंपिक में भी पदक प्राप्त कर भारतवर्ष का नाम रोशन करेगा। उन्होंने बताया कि विद्यालय में 24 प्रकार के खेलों का अभ्यास NIS क्वालिफाइड कोचेस की देखरेख में करवाया जाता है, जिससे प्रताप स्कूल खरगोदा के खिलाड़ी निरंतर इंटरनेशनल में नेशनल लेवल पर पदक प्राप्त कर देश में प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। प्रताप स्कूल प्रांगण में पहुंचने पर नितेश का द्रोणाचार्य अवॉर्डी ओम प्रकाश दहिया, स्कूल संस्थापक सत्य प्रकाश दहिया, प्राचार्य दया दहिया, एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर सुबोध दहिया, रेसलिंग कोच संदीप प्रदीप व अंकित मलिक ने स्वागत किया। गुरुकुल में मिठाई व स्टेशनरी वितरित कर बनाया रक्षाबंधन। बरुना मार्ग पर स्थित आर्य गुरुकुल में समाज कल्याण परिषद रोहट के सदस्यों ने गुरुकुल में पहुंचकर बच्चों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। इस मौके पर उन्होंने बच्चों को मिठाइयाँ बांटी व बच्चों के लिए ज़रूरतमंद स्टेशनरी का सामान भी वितरित किया। इस मौके पर समाज सेवी मंजीत दहिया ने कहा कि प्रत्येक त्यौहार पर जरूरतमंदों को किसी न किसी रूप में मदद करनी चाहिए। उनकी संस्था हर त्यौहार पर गुरुकुल में जाकर जरूरतमंद छात्रों की इसी तरीके से मदद करती है। उन्होंने कहा कि गुरुकुल शिक्षा संस्कारवान शिक्षा है जो व्यक्ति को जिम्मेदार इंसान बनाती है। इस अवसर पर आचार्य प्रदीप, मनीष आर्य, सुरेश शास्त्री, जसवीर व अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। कवाली गाँव में चलाया पौधारोपण अभियान। जनहित अभियान फाउंडेशन के द्वारा गांव कवाली में पौधारोपण अभियान चलाया। इस अवसर पर प्रधान सतबीर दहिया ने पौधा लगाकर किया अभियान को शुरू और कहा कि सभी गांव वाले पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए गांव में पौधारोपण करते रहेंगे, पेड़ बनने तक उनकी देखभाल करेंगे। फाउंडेशन के अध्यक्ष नरेंद्र हुड्डा ने बताया कि आज की मुहिम में फलदार व छायादार 25 पौधे लगाए गए हैं। इस अवसर पर स्टेट अवॉर्डी हिंदी प्रवक्ता दिलबाग सिंह, अंग्रेजी प्रवक्ता पूर्ण सिंह, मास्टर पवन पालीवाल, रणवीर सिंह, परिचालक विनोद दहिया, देविंदर देव, मास्टर दलबीर लीलू, प्रमोद पंडित, पवन संदीप भांजा,
नवीन मास्टर पंकज, सतीश मैसी, मीनू, रोहित विकास, विजय दहिया उपस्थित रहे। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत के पास क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर में आधुनिक 3D 4D मशीनों से अल्ट्रासाउंड, कलर डोपर, CT स्कैन, MRI, मेमोग्राफी रियायती मूल्यों में करा सकते हैं। आधुनिक मशीनों से जांच करने के लिए संपर्क करें क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर सोनीपत। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।